नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। खाना मांगने पर पति के लिए रोटी ना बनाना एक महिला के लिए जान की आफत बन गया। जबलपुर के सिहोरा थाना इलाके के मड़ई गांव में रहने वाला विनोद रजक रात करीब 1 बजे अपने घर पहुंचा और खाने के लिए अपनी पत्नी संगीता से खाना मांगा। संगीता ने बताया कि उसने चावल तले हुए रखे हैं, वो उसे खा ले, लेकिन इसी बीच विनोद ने रोटी खाने की जिद पकड़ ली। संगीता ने उसे बताया कि उसकी तबीयत खराब है और वो खाना नहीं बना सकती। इससे वो बुरी तरह बिफर गया और मिट्टी का तेल उड़ेल कर उस पर आग लगा दी। इस वारदात के बाद संगीता रजक को अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसी के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला कायम करते हुए विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। करीब ये संगीता रजक नाम की महिला है, 26 वर्ष की। इनके ऊपर इनने अपने तहसीलदार के समक्ष ये कथन दिए हैं कि इनके पति द्वारा इनके ऊपर केरोसिन का तेल डाल के आग लगाई गई है, जिसके इनको उपचार हेतु सर्वोदय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनके डीडी के बाद थाना सिहोरा में अपराध पंजीबद्ध किया है 300 बार का और विवेचना की जा रही है। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की गई है। जो इनके पति जिनका इनने अपने नाम बताया है विनोद रजक, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही करवाए। ये पारिवारिक कला इनका अभी प्रथम दृष्टया है, अभी विवेचना में तथ्य आए हैं। बाकी अभी विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उनका समावेश किया जाएगा।